नववर्ष के उपलक्ष में नाथ समाज राजस्थान व गोरक्षना राजस्थान ने सवाई माधोपुर राजस्थान की उभरती प्रतिभा को सम्मानित कर सभी को नववर्ष की बधाई दी। इस अवसर पर दिल्ली से योगी सुभाष चंद्र उपाध्याय, टैलेंट ऑफ इंडिया प्रबंधक योगी रोहतास सिंह कछवाए, मास्टर संतोष योगी व राजू चौहान का संस्थान के द्वारा जोरदार स्वागत। टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया सवाई माधोपुर, जहाँ पर नाथ समाज और गोरख सेना द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया और यहाँ पर जिन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया आज यहाँ पर इस मंच के द्वारा। और आज बात करेंगे हम यहाँ पर हमारे साथ में जो समाज के जो लोग हैं कि आज जो प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है वो किस लिए और कब से रखा जा रहा है। सर आप अपना नाम बताइए। शंभुदयाल योगी। शंभुदयाल जी, आज जो कार्यक्रम रखा गया, आज कार्यक्रम के बारे में बताइए। ये समाज हित के लिए समाज के लोगों को कार्यक्रम जो कार्यक्रम दिया है वो एक समाज में एक मैसेज दे रहे हैं और जो छात्र छात्राएं हैं उनको भविष्य उज्जवल हो, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और आगे भी अच्छे नंबर मार्क्स लाएं और आगे बढ़े। जो प्रतिशत ज़्यादा लाता है उसको तो कह जाता है, लेकिन कोई उच्च पद पर नौकरी लगता है या किस प्रकार का प्रोग्रेस करता है उसका भी मैसेज दिया जाता है इस कार्यक्रम के द्वारा। कितने वर्षों से ये कार्यक्रम किया जा रहा है? ये दूसरा कार्यक्रम है। जीतराम योगी, प्रवक्ता, राजस्थान नाथ समाज, जिला सागर, सवाई माधोपुर। तो क्या आप नाथ समाज से के साथ ही मिलकर करते हैं या और भी जो जैसे संस्थाएं जो बना रखी है उनके साथ मिलकर करते हैं? जो सामाजिक प्रोग्राम है उसको हम केवल समाज के लिए करते हैं, वैसे हम और भी प्रोग्राम करते हैं। अभी हमने फुलवाड़ा गांव ग्राम पंचायत बामनवास में प्रतिभा सम्मान समारोह किया था 26 दिसंबर को। उसमें लगभग 20,000 आदमी इकट्ठे हुए थे। लालसोट विधायक माने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना वहाँ पर मौजूद थे और लगभग उसमें 450 बच्चों को हमने सम्मानित किया था। ऐसा प्रोग्राम करने का हमारा एकमात्र उद्देश्य समाज को और देश को अच्छे नागरिक, अच्छे अधिकारी देना है। इसलिए हम 70-75% से बोर्ड परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के साथ IAS, IPS, रेलवे नवनियुक्त कर्मचारी और जो अधिकारी और कर्मचारी अपनी गरिमामय सेवानिवृत्ति देते हैं उन सेवानिवृत्ति वालों को भी, हम खिलाड़ियों को और कोई विशेष क्षेत्र में गायक कलाकार हो, चाहे संगीत हो, कला हो, सब में हम सम्मानित करते हैं कि उनका मनोबल बढ़े और वो आगे हमारा नाम रोशन करें। हमारे साथ सुभाष चंद्र उपाध्याय क्रांतिकारी जी हैं, आइए जानते हैं, दिल्ली से वो आए हैं। सर आप बताइए, आज जो प्रोग्राम हुआ है इसके बारे में बताइए, आपको कैसे सूचना मिली थी और कब से? मेरे को आज 15 दिन से पहले सूचना मिली है। ये प्रोग्राम गोरक्ष नेता उसकी तरफ से हुआ, योजना समाज की तरफ से, बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। मैं दूसरी बार राजस्थान में आया हूँ और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में जो योगी समाज है वो राजस्थान में है, और गोरक्षसेना को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम करा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया बात कही है कि गोरक्षसेना ने ये बधाई का काम किया है और नाथ समाज और गोरक्षसेना मिलकर इसी तरह काम करते रहे। टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह।